व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो इस मिशन आज का ये मिशन है कि हमें माइनक्राफ्ट में जल्दी ही ट्राइडेंट ढूंढना है। तो ट्राइडेंट मिलने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले हमें टूल्स बनाने पड़ेंगे, उससे पहले हमें क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, तो जिससे कि हमें आसानी हो जाए कि और सर्वाइविंग करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं टूल्स बनाने के लिए। इससे जब तक मैं टूल बनाता हूँ, जब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पार्ट टू आ जाएगी आपके लिए नेक्स्ट टाइम। देखते हैं कब आएगी इसका पार्ट टू, उसमें भी चैलेंज होंगे काफ़ी सारे। तो अगर आपको ऐसे चैलेंजेस वीडियो अच्छी लगती हैं तो आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा है। और आगे हम टूल्स बना लेते हैं। टूल्स बनाने के बाद अब हमें बारीकी था कि हम कोबलस्टोन का टूल बनाएं। हमारे पास फूड रिसोर्स भी नहीं थे, तो हमें पहले खाने का भी जुगाड़ करना पड़ा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा केव भी था, लेकिन हमें केव की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमें डायमंड के आर्मर नहीं बनाने, हमें बस वुड के उसी से ही हमें ट्राइडेंट को हासिल करना है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वुड के तरीके से ट्राइडेंट को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कोबल स्टोन मैं क्रीपर वीपर के लिए ले रहा हूँ, जिससे कि आसानी हो जाए उनसे टैकल करना। तो यहाँ से मैं थोड़े से कोबल स्टोन उठा लेता हूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मेरे को और मोटिवेशन मिल सके कि मैं और वीडियो अच्छी बना सकूं। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरी ऐसी वॉइस है और ऐसी एडिटिंग कर पा रहा हूं मैं। तो जैसे भी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं सोचता हूँ कि पानी के अंदर जाके पहले मैं ड्रोन्स को देख लेता हूँ, उनकी लोकेशन देख लेता हूँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें ट्राइडेंट वाले मिल सकते हैं। मैं जैसे ही पानी में उतरता हूँ तो एक मेरे को ड्रोन दिखता है ट्राइडेंट के साथ, तभी मैं ऊपर आ जाता हूँ। मैं और देखने के लिए और पानी के अंदर जाता हूँ, तो वहाँ पे और नहीं था, बस एक ही था। पहले मैं हीलिंग हंगर पावर बढ़ा लेता हूँ। पहले हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे खाने के, तो आगे अब हम देखेंगे। पहले हमें जाके बोट बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम आजू बाजू का एरिया और देख सकें, जहाँ जहाँ ड्रोन्स मिल सकते हैं हमें। ऐसे ही पहले मेरे को अपना और वुड चाहिए होगा मेरे को। यहाँ से वुड लेने के बाद हम चलते हैं ड्रोन, ट्राई करेंगे जल्दी मिल जाए हमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक आप यहाँ पे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वुड लेता हूँ और इनके प्लैंक्स बना लेता हूँ। प्लैंक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे पहले बोट का काम करता हूँ, जिससे कि मेरे को आसानी हो जाए पानी में जाने के लिए, क्योंकि रात भी होने वाली है और ड्रोन्स स्पॉन जल्दी होते हैं पानी के अंदर, इसी वजह से मेरे को लेने की पड़ी। लेकिन मेरे को जरूरी नहीं था कि ये बनाना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट तो पैदल ही चला हूँ पानी के अंदर। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि नीचे पानी के अंदर जाके देखते हैं कि अगर कुछ मिल जाता है ड्रोन्स के तो आसानी हो जाएगी हमें ढूंढने में। यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, वैसे मैं काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ड्रोन्स मिलते नहीं है। वैसे मेरा इस ब्रेथिंग चला जाता है, तो वापस नीचे जाके देखता हूँ। मेरा थोड़ा सा फ़ोन थोड़ा सा बेकार है, तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा रेंडर बहुत जल्दी ही नहीं होता। तो सिंपल है। अब हमें पहले एक ड्रोन आ रहा है पीछे, पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके पीछे वो भी है।
माय गॉड, ये दोनों एक दूसरे से साथ ही नाच रहे हैं। ओ माय गॉड, जल्दी 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 टावरिंग करते हैं। मैं ज़्यादा टावर कर लेता हूँ तो मेरे को दो चार तोड़ने पड़ते हैं, यहाँ से नहीं मर पाते हैं, तो मैं सोचता हूँ नीचे जाके मारना ही पड़ेगा। तो एक तोड़ता हूँ, फिर इनको लगती है तो फिर इनका काम शुरू हो जाता है मारने का। इसे थोड़ा सा एक्सपी भी मिल जाता है, एक्सपी की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो सिर्फ ट्राइडेंट चाहिए था। एंडर ड्रैगन को थोड़ी ना मार रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंडर ड्रैगन को मारूं इन ट्राइडेंट, तो इस नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो रात हो गई थी, मेरे पास सामान भी नहीं था, और ऊपर से मेरे को मारने के लिए एक आ गया था हड्डी पहलवान। अरे 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 अरे, अरे मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट बचा। अगर एक दो तीर और लगते तो फिर मेरा काम यहीं पे समाप्त था। तो आगे जाने के बाद मेरे को काफ़ी सारे ऐसे दिखते हैं स्केलेटन, तो काफ़ी सारे स्केलेटन दिखने के बाद फिर से मैं नीचे जाता हूँ पानी के अंदर, कि मैं सोचता हूँ कि अगर रात के समय अगर टैलेंट वाला ज़ॉम्बी आ जाता है तो आसानी हो जाएगी मेरे को लेने में। हो काफ़ी समय हो गया मेरे को ये वीडियो बनाते बनाते। अगर आप भी मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, अगर अभी आप देख रहे हैं तो। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं मरते मरते बचा था अभी, तो वरना मैं तो मरता बड़ा जालिम तौर पे। मेरे पास फूड सोर्स नहीं थे तो भी मेरे को ये खाना पड़ा। तो देखते हैं आगे, अगर फूड सोर्स मिलता है तो अच्छा हो बात है। पीछे से ये इसके ये आ गई मकड़ी, वेब छोड़ देता हूँ। मेरे को एक आइडिया आता है वेब से कि मैं एक अगर धनुष बन जाता तो वो बन जाता तो आसानी हो जाती है मेरे को ट्राइडेंट हासिल करने में, क्योंकि मैंने काफ़ी बार अपने मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से जल्दी मिलता है ट्राइडेंट, बहुत जल्दी। तो मेरे को सामने एक वो दिखता है हड्डी पहलवान, जिसके पास था इंचाइंटेड बो। उससे मेरे को दूर था क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था आर्मर के तौर पे। इसी वजह से मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि उसके पास जाऊँ या ना जाऊँ। तभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अभी खाने का कोई रिसोर्स है नहीं, और मेरी थी 3 हर्ट थे उस समय। तो उस समय मैं थोड़ा सा चैलेंज लेता हूँ और जाता हूँ, और उधर जाके देखता हूँ कि काफ़ी सारे ज़ॉम्बी विलेजर थे। अभी हमें यहाँ पे सर्वाइविंग नहीं चालू कर रहे, इस वजह से हमें छोड़ना पड़ा। आगे हम पीछे से एक क्रीपर आ रहा था, मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, जिससे वजह से अब मेरी एक गलती की वजह से मैं भी यहाँ पे मरते मरते मर ही गया। अब हम थोड़ा सोचते हैं कि मिशन करें या ना करें। मैं सोचता हूँ कि कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ तक आए हैं इतनी मुश्किल से, वापस नहीं जाएंगे खाली हाथ, करके जाएंगे। तो अभी हम थोड़ी सी हमें बो मिल जाती है कहीं से, तो उसी के ज़रिए हमने पूरा तय कर लिया था कि अब बो बनाना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ट्राइडेंट मिलना भी आसान हो जाएगा उससे। तो और मैं उस क्रीपर हड्डी पहलवान के पास जाता हूँ जिसके पास इंचेंटेड बो थी। तो वो मिलने के बाद वो डिस्पॉन हो गया था बाय मिस्टेक मेरे से, क्योंकि मैंने उसको वो गायब हो गया था एक ही दम से। तो एक यहाँ पे दिखता है, मेरे को लगा ये वही है, बल्कि ये वो नहीं था, ये दूसरा था, इसके पास इंचाइटेड वो नहीं था। तो आगे मैं क्रीपर दिखता है, इस वजह से मैं क्रीपर से दूर चला गया। आसानी हो गई क्योंकि क्रीपर का इंतज़ार करता तो फिर हो जाता। यहाँ पे मेरे को एक मकड़ी दिखी थी जिससे कि मैं अपना वो बना सकता था, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टिक थे। मैं नीचे ना जाके यहाँ पर भी एक मेरे को दिखा, इसके खड़खड़ाने की आवाज़ पहले आ जाती है, तो
तो थोड़े से वो थोड़े से तीर इससे भी मिल गए थे हमें। और यहाँ पे आगे जाने के बाद हमें थोड़ा सा वो दिखता है स्पाइडर, जिससे कि हमें वो मिल जाएगा वेब स्ट्रिंग्स, जिसके वजह से हमें आसानी हो जाए कि हम बो आसानी से बो बना सकते हैं अपनी पूरी पावरफुल। वैसे हम इंचेंटेड नहीं कर सकते, लेकिन बो है हमारे पास और हमारे पास तीर भी है, तो आसानी हो जाएगी हमें ट्राइडेंट लेने में। तो मैं एक पहला तीर छोड़ता हूँ पहले ड्रोन को मारने के लिए, लेकिन ये इसके ड्रोन के पास ट्राइडेंट नहीं था। आगे जाने के बाद मेरे को एक ड्रोन दिखता है, मैं गौर से देखता हूँ तो उसके पास ट्राइडेंट होता है, तो उसको मैं बुलाता हूँ ऊपर और फिर ट्राई करता हूँ कि इससे वो छोड़ ही दे। एक तीर के बाद नहीं छोड़ता, दो तीर के बाद भी छोड़ता, तीसरे तीर में लेट्स सी उसने ट्राइडेंट ड्रॉप कर दिया है। और ये मिशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत मुश्किल मिशन था, लेकिन इस तीन तीर ने इस मिशन को आसानी कर दिया। अगर मैं किसी और टूल का इस्तेमाल करता तो शायद ही मिलता मेरे को, लेकिन आखिरकार हमें ये चीज़ मिल चुका है। और ये मिशन जल्दी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया मामूली से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स को देखा है कि वो काफ़ी समय लगा देते हैं, फार्म बनाते हैं एक तरह से ट्राइडेंट के लिए, लेकिन उनको जल्दी ट्राइडेंट नहीं मिलता। लेकिन हमें तीन तीरों में ही एक ट्राइडेंट मिल चुका है। कितने लकी हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय।